अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने कॉलम का सरिया निकालना है, किस तरह आप लोगों ने स्लैब का सरिया निकालना है, किस तरह आप लोगों ने बीम का और फुटिंग का सरिया आप लोगों ने किस तरह निकालना है। सो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, बार बेंडिंग शेड्यूल, बेसिक्स ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो शुरू करते हैं बगैर टाइम जाया किए कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल की इम्पोर्टेंस सिविल इंजीनियरिंग में क्या है और बार बेंडिंग शेड्यूल को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे होंगे, यानी एक इंजीनियर को या एक क्वांटिटी सर्वेयर को बार बेंडिंग शेड्यूल से क्या फ़ायदा होता है। उसको कैलकुलेशंस में आसानी होती है, उसमें यानी उससे जो गलतियां होती है वो गलतियों को जल्दी पकड़ लेता है और गलतियों को ठीक कर देता है। सो आज का जो टॉपिक है, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। सो सबसे पहले मैं इसमें आप लोगों के लिए 9 टॉपिक कवर करूंगा। सो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डायमीटर ऑफ बार्स, उसके बाद हम हुक्स के बारे में जानेंगे, यानी जो हुक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हुक्स के बारे में हम जानेंगे किस वजह से, यानी कौन से रीजंस की वजह से हम हुक्स प्रोवाइड करते हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ एंड कटिंग लेंथ ऑफ द बेंड्स। और हम हुक्स में जो बेंड देते हैं उसमें जो हम यानी उसकी कटिंग लेंथ और उसकी टोटल लेंथ हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा होगा ओवरलैपिंग ऑफ बार्स। सो ओवरलैपिंग ऑफ बार्स, आप मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, कंप्लीट आपके लिए गाइडेंस है ओवरलैपिंग पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ओवरलैपिंग में हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट लैपिंग लेंथ फॉर कॉलम विच इज कंप्रेशन मेंबर एंड फॉर बीम विच इज टेंशन मेंबर, यानी टेंशन मेंबर के लिए और कंप्रेशन मेंबर के लिए हम लैपिंग लेंथ जो हमारी होगी वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम ये भी आप इसमें हमें आप लोगों को ये भी बताऊंगा। सो इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा है क्रैंक बार। क्रैंक बार को हम बेंट अप बार भी कहते हैं। सो व्हाई वी प्रोवाइड क्रैंक और बेंट अप बार, यानी क्रैंक और बेंट अप बार को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, वेयर वी प्रोवाइड, हम कहाँ पर हमें क्रैंक बार या बेंट अप बार की कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ क्रैंक और बेंट अप बार। सो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि कंक्रीट कवर क्या होगा, कंक्रीट कवर फॉर कॉलम कितना हम देंगे, कंक्रीट कवर फॉर बीम, कंक्रीट कवर फॉर फुटिंग, कंक्रीट कवर फॉर स्लैब वगैरह, ये भी मैं आप लोगों को इस चीज़ में बताऊंगा, क्योंकि ये सारे जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ये सारे आप लोगों के बार बेंडिंग शेड्यूल से रिलेट करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट क्या होता है, यानी एक स्पेसिंग हम स्लैब में रिइंफोर्समेंट को स्पेसिंग जब देते हैं वो स्पेसिंग हमें कितना देना चाहिए और वो स्पेसिंग क्यों देना हम क्यों देते हैं। सो इसके अलावा 7 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स, और 8 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ स्टिरप्स। सो ये आप देख सकते हैं कि हम एक कॉलम में नंबर ऑफ स्टिरप्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, या इसके अलावा हम एक बीम में जो नंबर ऑफ स्टिरप्स होंगे यानी लेटरल टाइज हम जो कहते हैं उसे, उसकी जो स्पेस रेट होगी वो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और आखिर में मैं आप लोगों को 9 नंबर पे बताऊंगा, और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट रीइंफोर्समेंट फॉर बीम, स्लैब, कॉलम एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसका मैं आप लोगों को तरीकाकार सिखाऊंगा। सो शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट वन बाई वन। सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो डायामीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट है, यानी डायामीटर ऑफ स्टील बार्स। सो हमारे पास आपको पता होगा कि मार्केट में हमारे पास 6 नंबर के अवेलेबल है, 6 mm के डायामीटर वाले बार अवेलेबल है, 8 mm के अवेलेबल है, 10 mm के अवेलेबल है, 12 mm के अवेलेबल है, इसके साथ साथ 16 mm के अवेलेबल है, इसके आगे बढ़ते हुए हमारे पास 20 mm, 25 mm, 28 mm,
32 mm एंड 40 mm. सो ये बार मुख्तलिफ साइज, ये बार इन साइजों इन डायमीटर्स में आप लोगों को मार्केट से हर जगह पे मिल जाएगी आसानी के साथ। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा डायमीटर वाली कोई स्टील बार चाहिए होगी, यानी आपको रीइंफोर्स अपने बिल्डिंग इस पर डिज़ाइन इसके अलावा कोई और डायमीटर होगा, तो उसके लिए आप कस्टमाइज डायमीटर आप अपने फैक्ट्री को, यानी अपने जो आप जो फैक्ट्री स्टील बनाती है मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा है वो स्टैंडर्ड लेंथ क्या हो है? अभी स्टील बार की जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 12 mm है, यानी 40 feet हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। 12 मीटर का सरिया क्यों मार्केट में इजीली अवेलेबल है? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में आसान रहता है। और इसके अलावा अगर आपको इससे ज़्यादा लंबाई में सरिया चाहिए तो आप ऑर्डर कस्टमाइज्ड ऑर्डर आप अपना प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वेट ऑफ स्टील होता है। सो वेट ऑफ स्टील के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हैं, फीट में निकालने के लिए अलग है, यानी पाउंड में निकालने के लिए अलग है, और केजी पर मीटर में निकालने के लिए अलग फार्मूला है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। सो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मिलीमीटर के हवाले से बताता हूँ, सो मिलीमीटर वाला जो फार्मूला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो वेट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ द बार स्क्वेयर, उसका हम स्क्वेयर लेंगे डिवाइड बाय 162, इसका यूनिट जो है केजी पर मीटर इसका यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास अगर 8 mm वाला बार है, 8 mm वाला 8 mm डाया वाला बार हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका वेट हम किस तरह निकालेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमीटर स्क्वेयर की जगह हम 8 square लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 8 mm है ये बार का डायमीटर है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 162 पे डिवाइड कर देंगे, सो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.39 kg पर मीटर आ जाएगा। अभी लेट सपोज मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इस डायमीटर को, अभी ये तो kg पर मीटर हमारे पास आ गया, तो kg पर मीटर से हमारे पास सिर्फ kg में निकालने के लिए आप लोगों को इसमें लेंथ प्लेस करना होगा। यानी लेट सपोज हम एक लिंक, हमारा जो सरिये का जो लिंक होता है, यानी 40 फीट 12 मीटर वाला लिंक हम इसमें प्लेस करते हैं, सो 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 162 मल्टीप्लाइड बाय 12 मीटर हमारे पास इसका एक सरिये की जो लिंक है उसकी लंबाई है, सो इससे हमारे पास 4.74 kg हमारा एक लिंक का वेट आ गया, जो कि डायमीटर उसका 8 mm है। इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हुक्स हम क्यों देते हैं। सो हुक्स हम प्रोवाइड करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स। सो हुक्स देने के जो फंक्शंस है वो फंक्शंस क्या है, यानी हुक्स हम क्यों देते हैं अपने कॉलम में या बीम में हम हुक्स क्यों देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो इसको हम सीज़मिक हुक्स भी कहते हैं। इसका जो मेजर रोल होता है, हुक्स का जो फंक्शन होता है वो क्या है, प्रिवेंट सीज़मिक मूवमेंट्स, यानी जब जलजला आता है तो ये हुक्स टाइट होती है और इसके अंदर जो बार होता है, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल बार होता है, ये स्लिप नहीं होता, उसको पटने से महफूज रखता है और कॉन्क्रीट के जो कंक्रीट का जो कॉलम है उसको क्रशिंग से या उसको बकलिंग से महफूज रखता है। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, जो लॉन्गिट्यूडनल आपको कॉलम में दिख रहे हैं, या 4 है 6 है 8 है जितने भी है, उसको ये अपने पोजीशन में रखने के लिए ये हुक्स हम प्रोवाइड करते हैं। अभी आते हैं लेंथ ऑफ हुक पे आते हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने कहीं पर जाके साइट पे विजिट करना है या आपने कैलकुलेशन में उसका हिसाब लगाना है। सो लेंथ ऑफ हुक का जो स्टैंडर्ड है वो 9 × d हमारे पास है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हम हुक का वो जो लेंथ है वो हम किस तरह, यानी उसका जो कट लेंथ है वो हम किस तरह मालूम करेंगे। सो उसमें हम ले लेंगे कि लेंथ, जो इसका लेंथ एक्चुअल लेंथ होगा, और उसके साथ हम दो हुक जमा कर देंगे, यानी 9d प्लस 9d हम जमा करके हमारे पास टोटल उसकी कट लेंथ आ जाएगी, जिस तरह आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे टॉपिक पे। सो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है बिंड्स। सो बिंड्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिंड्स की ज़रूरत
क्यों पड़ती है। सो बेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये फुटिंग में नॉर्मली जो बेंड्स हमारे होते हैं ये हम नॉर्मली अपने फुटिंग में प्रोवाइड करते हैं। सो फुटिंग को फुटिंग की जो एक साइड पे हम बेंड देते हैं और दूसरी साइड पे हम बेंड देते हैं, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो इसकी जो लेंथ होगी, इस बेंड की जो लेंथ होगी वो हमारे पास 10 डायमीटर ऑफ द बार से लेकर 16 डायमीटर ऑफ द बार तक इसकी लेंथ होगी। यानी आप लोगों ने इसकी एक्स्ट्रा लेंथ अपने एस्टीमेशन में काउंट करनी होगी। सो टोटल लेंथ यानी कट लेंथ इसकी निकालने के लिए क्या होगा, लेंथ हम ले लेंगे, एक साइड का हम ले लेंगे, यानी फॉर एग्जांपल लेट सपोज 12D हमने ले लिया और दूसरे साइड पे भी हमने 12D ले लिया। सो 12D प्लस 12D प्लस इसका जो लेंथ है वो हम इसको काउंट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो छोटा टॉपिक आता है वो है ओवरलैपिंग। सो ओवरलैपिंग पे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरी एक कंप्लीट यानी कंप्रिहेंडेड वीडियो है वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बता दूंगा कि ओवरलैपिंग हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर दो सरिये, यानी आप नॉर्मली जो हमारे पास 12 मीटर का एक सरिया होता है तो उसके साथ जोड़ने के लिए, यानी इसको इसके साथ जोड़ने के लिए हम दूसरा सरिया इसके साथ ओवरलैप कर लेते हैं और उसको बाइंडिंग वायर की मदद से उसको बांध देते हैं। अभी ओवरलैपिंग का मकसद क्या है, ओवरलैपिंग का मकसद ये है कि अगर एक बार पे लोड आ रहा है जहां पर आप देख सकते हैं तो ये लोड दूसरे बार पर ट्रांसफर करने के लिए हम ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं। ये आपके जहन में आया होगा। सो ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास जो इसकी लेंथ होगी, यानी इसकी लेंथ हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सो मैं आप लोगों को बता दूं, इन शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि कंप्रेशन मेंबर के लिए यानी फॉर एग्जांपल कॉलम्स के लिए आपकी जो लैपिंग लेंथ होनी चाहिए वो हमारे पास 40D होनी चाहिए। कितनी, 40D यानी 40 एंड द डायमीटर ऑफ द बार। अभी अगर आप 12 मिलीमीटर डाया वाले बार आप यूज कर रहे हैं तो 40 × 12 होगा। इसके साथ साथ जो हमारे पास जो टेंशन मेंबर में अगर हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल बीम्स वगैरह में तो उसमें हम 50 × D उसका जो लैपिंग लेंथ है वो इसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। सो बट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मली वी प्रोवाइड 50 × डाया, यानी ये हम कंप्रेशन के लिए भी लेते हैं और हम ये टेंशन के लिए भी लेते हैं, यानी कॉलम और बीम दोनों के लिए हम 50 × D का हिसाब से हम इसका लैपिंग लेंथ लेते हैं। लैपिंग फ्रॉम निक कॉलम टू फुटिंग। अभी आप यहाँ पर इस तस्वीर में जिस तरह आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो कॉलम की निक है, कॉलम की जो निक है उसको हम क्या फुटिंग के साथ जोड़ने के लिए जो हम उसमें हुक देते हैं उसकी जो लैपिंग करते हैं, इस लैपिंग को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द निक कॉलम टू फुटिंग इज नॉर्मली, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो ओवर लैपिंग होती है ये हम नॉर्मली 16 × डाया ऑफ द बार हम लेते हैं, 16 × डाया ऑफ द बार लेते हैं। फुटिंग के साथ ओवरलैपिंग है, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ भी हम इसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो यानी फिफ्थ नंबर पे हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है क्रैंक बार और बेंट अप बार। अभी क्रैंक बार और बेंट अप बार एक ही चीज है, इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्रैंक बार और बेंड अप बार को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, टू रेजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट और हॉगिंग मूवमेंट। यानी इसकी जो आपने देखा होगा जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो आपका बीम है, अगर बीम पे एक लोड हम अप्लाई कर दे तो उसमें जो मिड पोर्शन होता है उसमें पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है और जो कॉलम यानी जो सपोर्ट्स होते हैं वहां पर हमारे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट होते हैं। यहां पर हम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को कवर करने के लिए वो बेंड अप बार यूज करते हैं। अभी हम इसकी कट लेंथ पे आते हैं, तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि बेंड अप बार की जो कट लेंथ है वो हम किस तरह मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इसकी एक साइड की जो लेंथ होगी और दूसरी साइड की लेंथ, यानी एक साइड की क्रैंक बार की जो लेंथ होगी वो हमारे पास, उसकी कटिंग लेंथ हम किस तरह मालूम करेंगे, इसकी टोटल बीम की जो लेंथ होगी उसमें इसका लेंथ होगा प्लस एक साइड का जो हमारे पास जो बेंड अप बार है 0.42 × D और दूसरे साइड का जो 0.42 × D वो हम ऐड कर देंगे। सो L प्लस 0.42 × D
प्लस 0.42 इंटू डी, ये हम जमा करके इससे हमारे पास इसका टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन ये कंप्रिहेंडेड आप लोगों का एक गाइड होगा। ये वीडियो आप डाउनलोड करके अपने पास कहीं भी लेके जा सकते, इससे आप लोगों का पूरा वो जो बार बेंडिंग शेड्यूल होगा वो आप लोगों का कवर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बार बेंडिंग शेड्यूल में आप लोगों ने डेटा इनकॉर्पोरेट किस तरह करना है। सो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द बना के आप लोगों को वो प्रेजेंट करूंगा। सो इसके बाद जो हमारा छठा टॉपिक होगा कॉन्क्रीट कवर है। सो कॉन्क्रीट कवर हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, कॉन्क्रीट कवर किसे कहते हैं। सो कॉन्क्रीट कवर वो कवर होता है जो हम यानी आपका जो सरिये की आपकी जो रिइंफोर्समेंट है वो अगर वो कॉलम में है या बीम में है जहां पर भी है, और उसका जो शटरिंग हम लगाते हैं एक्सटीरियर साइड पे, उसके दरमियान जो गैप होता है इसको हम कॉन्क्रीट कवर कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि कवर्स यानी जो कॉन्क्रीट कवर होता है वो फुटिंग में कितना होता है, कॉलम में और बीम में कितना होता है। सो फुटिंग में हमारे पास जो कॉन्क्रीट कवर होगा वो मिनिमम आपका 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। 50 mm मतलब 2 inch से आपका कॉन्क्रीट कवर हर किस कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद कॉलम्स और बीम में आप लोगों का जो कॉन्क्रीट कवर होगा वो 25 mm से लेकर 50 mm तक होना चाहिए, यानी इसके लगभग होगा। और स्लैब में आप लोगों का जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्लियर कवर या कॉन्क्रीट कवर होगा वो 25 mm, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 25 mm होगा। अभी कॉन्क्रीट कवर को हम किस तरह यूनिफॉर्म कर सकते हैं, कॉन्क्रीट कवर को हम किस तरह यानी इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी कॉन्क्रीट कवर इसी हिसाब से स्लैब में यानी इसी हिसाब से फुटिंग में भी है और कॉलम में इस हिसाब से है, स्लैब में और बीम में इस हिसाब से हमारा कॉन्क्रीट कवर है। सो इसके लिए हम स्पेसर्स बनाते हैं। सो ये स्पेसर आप देख सकते हैं, ये आपका यानी आपके प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ये आपके कॉन्क्रीट से बनाए हुए कॉन्क्रीट के भी हो सकते हैं। सो ये अपने अपने साइजेस में साइड पे भी बन सकते हैं और बने बनाए ये स्पेसर बाजार से भी मार्केट से आप लोगों को आसानी से मिल सकते हैं और आप इसको अपना जो कॉन्क्रीट कवर है इसको इंश्योर कर सकते हैं। सो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कंक्रीट कवर अगर हद से ज़्यादा हो जाए और कंक्रीट कवर कम हो जाए सो उसके क्या नुकसानात होते हैं। सो वो वीडियो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे जो 7th नंबर पे हमारा टॉपिक है यानी इसमें रिइंफोर्समेंट स्पेसिंग है। अभी मैं अगर आप लोगों को बता दूँ कि स्पेसिंग हम किस चीज़ को कहते हैं और स्पेसिंग हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं। सो मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 bars, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक कॉलम है, ये कॉलम जो 2 bars का जो इसके दरमियान जो यानी एक स्टिरप से लेकर दूसरे स्टिरप के दरमियान जो खाली जगह है इसको हम स्पेसिंग बिटवीन 2 bars कहते हैं, ये हमारा स्पेसिंग होगा। अभी ये स्पेसिंग मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए। सो ये स्पेसिंग कम से कम आप लोगों का जो आप एग्रीगेट मैक्सिमम साइज का जो आप एग्रीगेट यूज कर रहे हैं यानी 40 mm वाला या 45 mm वाला या 30 mm वाला या 20 mm वाला आप जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं वो एग्रीगेट प्लस एक्स्ट्रा आप उसमें 5 mm ऐड करके उसी हिसाब से आप लोगों ने कम से कम इतना स्पेसिंग इंश्योर करना है ताकि उसमें हम वाइब्रेटर वगैरह उसकी जो कंपैक्शन है वो आसानी से हो सके, यानी अपने डिजाइन में ये ख्याल रखना है। इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ बार। सो नंबर ऑफ बार हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्लैब है और स्लैब का एक एक्स एक्सिस है और एक इसका वाई एक्सिस है। अभी मिसाल के तौर पर अभी आप नंबर ऑफ बार आप मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम यानी नंबर ऑफ बार हम ये मालूम करना चाहते हैं। सो नंबर ऑफ बार मालूम करने के लिए एक्स एक्सिस के लिए यानी एक्स एक्सिस पे आपके जो नंबर ऑफ बार है वो मालूम करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसका जो अपोजिट साइड है यानी वाई एक्सिस वाला, सो वाई एक्सिस वाला साइड आप लेंगे और इसको आप डिवाइड बाय स्पेसिंग करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपकी जो वाई एक्सिस है वो 10 feet है और जो इसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है दो बार्स के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो आपका 6 inches है। सो 10 को आप 0.5 के डिवाइड कर देंगे और प्लस आप 1 ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा बार का, तो वहाँ से आपको वो नंबर ऑफ बार आप निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से अगर आप लोग
वाई एक्सिस पे अपना जो नंबर ऑफ बार है वो मालूम करना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों ने अपोजिट साइड वाला लेना है, अपोजिट साइड का लेंथ लेना है और उसको आपने उसी हिसाब से जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उस पर डिवाइड करना है और एक बार आप लोगों ने एक्स्ट्रा उसके साथ ऐड करना है। सो ये रहा नंबर ऑफ बार किस तरह मालूम करेंगे। अभी नंबर ऑफ स्ट्रिप किस तरह मालूम करेंगे। सो आपका जो एक्चुअल लेंथ होगा, एक्चुअल जो लेंथ है उस लेंथ को आप ले लें और आपका जो स्ट्रिप्स होगी, स्ट्रिप्स की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उस पे आप एक्चुअल लेंथ को डिवाइड कर दे और प्लस वन ऐड कर दे, आपके नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आ जाएंगे। सो लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को हाउ टू कैलकुलेट द रीइन्फोर्समेंट इन स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसीजर होता है। सो सबसे पहले तो आप लोगों ने उसमें कैलकुलेशन, यानी आप लोगों ने लेंथ ऑफ द बार मालूम करना है। लेंथ ऑफ द बार के बाद आप लोगों ने स्ट्रिप्स की जो कट लेंथ है वो आप लोगों ने मालूम करनी है। उसके बाद आप लोगों ने नंबर ऑफ बार्स मालूम करनी है। नंबर ऑफ बार्स के बाद आप लोगों ने उसका जो यूनिट वेट है वो आप लोगों ने मालूम करना है। यूनिट वेट के बाद आप लोगों ने उसका जो टोटल वेट है उसको आप नंबर ऑफ बार में और लेंथ ऑफ बार में ज़रब दे के आपके पास टोटल वेट आप दी, यानी रीइन्फोर्समेंट यूज इन दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएगा। सो आज की वीडियो थोड़ी लंबी रही लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया तो काइंडली इसको शेयर कर दे, लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।